जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ नमस्कार दोस्तों, आप में से कई लोग मुझसे पिछले दो दिनों से बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के ऊपर जो शर्मनाक हमला हुआ है, उनके खिलाफ एक बहुत ही वाहियात अश्लील पैम्फलेट जो सर्कुलेट किया गया है, आप उस पर कुछ क्यों नहीं कह रहे। मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि कुछ प्रमाण सामने उभर कर आए जिसके चलते मैं उस पर कुछ कह सकूं, मगर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि इस पैम्फलेट को फैलाने के पीछे उन्हें जो चुनौती दे रहा है शख्स गौतम गंभीर का हाथ है। मगर कुछ प्रमाण जरूर सामने उभर कर आ रहे हैं, और दोस्तों जो प्रमाण सामने उभर कर आ रहे हैं, जो बातें सामने उभर कर आ रही हैं, हम सबको शर्मिंदा होने की जरूरत है। हम सबको क्यों, ये पाप हम अपने माथे पे क्यों लें? भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदा होने की जरूरत है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 के इस इंटरव्यू में हाल ही में आम आदमी पार्टी में काम कर रहे अनिल वाजपेयी, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जब उनसे पूछा गया इस मामले के बारे में, तब उन्होंने किस तरह की अभद्र टिप्पणी आतिशी के ऊपर की, पहले सुनिए। यहाँ पर भाषा की दिक्कत है, जहां पर उनके लिए प्रोस्टिट्यूट जैसे वर्ड लिखे गए हैं, उनका पति बीफ खाता है, तो इसका इल्जाम वो बीजेपी पे लगाया। बताया ना अभी कर रहे हैं उनको, मैंने खुद देखा उनको कि वो बीफ खाते हुए। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आरोप लगा रहा हूँ सर, वेश्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इतनी बात मैं जरूर पूछना चाहता हूँ कि राजनीतिक लाइफ के अंदर, अगर मान लो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, विजेंद्र भाई लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं, उनके परिवार के लोग होते हैं, उनके पति कहाँ हैं, उनके पति कहाँ हैं, उनके मतलब अगर आप राजनीति में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पति के तो होना जरूरी है, ये तो बताएंगे उनके पति कहाँ हैं, और अगर पति हैं उनके तो उनको चुनाव में आना चाहिए। देखिए यहाँ दो तीन आपत्तियां मुझे। सबसे पहले मैं इस शख्स के साथ में देख रहा हूँ बीजेपी के पुराने कद्दावर स्टेट लेवल लीडर विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता चाहते तो उस शख्स को रोकते, मगर उन्होंने नहीं रोका। दूसरी बात, मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो तमाम पार्टी के नेता हैं, जब ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो इनकी बोली इतनी खराब क्यों हो जाती है। अनिल वाजपेयी की मिसाल आप देख चुके हैं, एक वो बेहोश मिश्रा है, कपिल मिश्रा। बेहोश मिश्रा क्यों कह रहा हूं पता है ना आपको? इसलिए कह रहा हूं बेहोश मिश्रा। ये सज्जन भी जब बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो इनकी आप पूरी ट्विटर टाइमलाइन देखिए, जिस तरह की अभद्रता का ये परिचय देते हैं, वाकई शर्मनाक है। ये वो शख्स है जो कि जिसने भारतीय जनता पार्टी की सुपारी ले रखी है, और उसके चलते ये शख्स न सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर हमला करता है, जो कि ठीक है चलिए, मगर ये उन पत्रकारों पर भी अश्लील हमले करता है जो कि मोदी सरकार से सवाल करते हैं। ये मुझसे भिड़ चुके हैं कई बार, यही नहीं, इन्होंने राजदीप सरदेसाई के बच्चों तक पर भी वाहियात टिप्पणी की थी। खैर भूल जाइए जी बेहोश मिश्रा को, मुद्दा कुछ और है यहां पर। जो बात अनिल वाजपेयी ने कही है, जो अब भारतीय जनता पार्टी देता है कि उनके पति कौन है, मैं बोलना चाहता हूं कि आतिशी चाहे सिंगल हो, चाहे डिवोर्स्ड हो, चाहे शादीशुदा हो, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक औरत का अस्तित्व तभी है जब उसकी शादी किसी से हुई हो, या उसकी शादी ठीक ठाक चल रही हो, क्या उसका अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है? पहली बात तो ये जो वाहियात बकवास कर रहे हैं अनिल जी, इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई जमीन नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसे सही ठहराती है? दोस्तों अब आते हैं कि आतिशी मरलेना के बारे में क्या कहा गया। वाकई बहुत ही शर्मनाक पैम्फलेट है, मगर मेरी मजबूरी है चूंकि मैं खबर आपके सामने कर रहा हूं। इसमें लिखा गया आतिशी के बारे में कि शी हैज नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। शी हैज गॉट दीज वर्ड्स फ्रॉम सिसोदिया हु इज कीपिंग हर एज अ कीप। कीप का तर्जुमा रखेल होता है।
एंड हैज अल्टीमेटली रिवॉर्डेड हर बाय अलाउइंग हर टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम ईस्ट दिल्ली. यानी कि मनीष सिसोदिया के साथ करीबी होने की वजह से इन्हें पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए इसका तोहफा मिला है. मनीष सिसोदिया के बारे में भी अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. आतिशी के बारे में वैश्या शब्द तक का इस्तेमाल इस पैम्फलेट में किया गया है. दोस्तों, जैसे मैंने कहा, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसे सर्कुलेट किया. हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों. मगर जैसे मैंने कहा ना, शुरुआत मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का नेता लगभग वही जुबान बोल रहा है जो कि इसमें है. इसमें भी यही बातें की गई हैं कि आखिर आतिशी के पति के बारे में सवाल किया गया है, कहां है उनके पति, क्यों उनके पति उनसे दूर हैं, तमाम चीजों की बातें हैं. यानी कि वही बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल वाजपेयी ने कही है, वही बात इसमें लिखी हुई है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर सवाल क्यों ना उठाया जाए. यही नहीं, गौतम गंभीर के पास, चलिए मानिए, मान सकते हैं कि एक 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 ग्राउंड था, एक जमीन थी नाराज होने के लिए. उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर फिल्दी शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने डेफेमेशन नोटिस भी भेज दिया. यही नहीं, उन्होंने आतिशी कर पर भी हमला किया. गौतम गंभीर, आपने कहा कि मेरे परिवार में 5 महिलाएं, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, इसके लिए मैं आपको जिम्मेदार नहीं मान रहा हूं क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है. मगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं गौतम. जब आतिशी पर यह हमला हुआ, तब क्या आपने इतनी सी भी सहानुभूति आतिशी के साथ जताई? बताइए, क्या आपके अंदर राजनीति का जहर इस कदर भर चुका है? और देखिए, आप तो पुराने घिसे हुए राजनेता भी नहीं है, आप तो क्रिकेटर हैं भाई. इतनी बेतहाशा मोहब्बत मिली, मैंने तालियां बजाई थी आपके लिए वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में. क्या शानदार इनिंग्स आपने खेली थी उस वक्त. आपका कई बार मैंने इंटरव्यू किया है जब भी स्पोर्ट्स शो मुझे करना पड़ता था. और यही नहीं, आप देखिए गौतम गंभीर का ये ट्वीट, ये माननीय तिरंगा की व्याख्या कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इन्होंने जो हमारे तीनों रंग है ना, उसको जिस तरह से पेश किया है वो वाकई बहुत चिंताजनक है. क्योंकि जो हमारे तिरंगे का सफेद है उसका मतलब शांति है. मगर ये शख्स क्या कहता है कि ये तिरंगे का जो सफेद है वो आतंकवादियों के ऊपर जो कफन है ये उसका प्रतीक है. थोड़ा अंदर के जहर को निकालिए. हां, आतंकवादियों को कफन में ही लपेटा जाए, मगर कम से कम मेरे तिरंगे को अपनी नफरत से दूर रखिए. मेरे तिरंगे की जो शान है, उसकी जो गरिमा है, वो इन आतंकवादियों से, इन देशद्रोहियों से, इनसे कहीं ऊपर है. तो कृपया मेरे तिरंगे को किसी भी सूरत में इन आतंकवादियों से मत जोड़िए. और यही नफरत मुझे दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य नेताओं में, इनसे भी. देखो, जो आदमी इसी प्रकार भड़वा होते, दलाल को लोग बोलते हमारे देहाती भाषा में, तो जो भड़वे गिरी का, तो शासन के लिए वो किसी भी कीमत तक किसी से भी सौदा कर ले, भड़वा उसको बोलता है दैत्य भाषा में. आज भी मैं बोलूंगा, बार बार मैं बोलूंगा. इन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया अरविंद केजरीवाल के, रमेश बिधुड़िया सांसद है, बताइए, दक्षिणी दिल्ली से सांसद है, अब फिर मैदान में है. अरविंद केजरीवाल के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं अपने मुंह से दोहरा भी नहीं सकता हूं. और सबसे दुखद बात है कि इस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि मुझे कोई अफसोस नहीं है. फिर से सुनिए. नहीं, मुझे लगता नहीं मैंने कोई गलत कहा है. अगर आप गाय को गाय नहीं कहोगे, चूहे को चूहा नहीं कहोगे, गधे को गधा नहीं कहोगे, तो क्या कहोगे? तो इसलिए जो उसके करेक्टर में उसने प्रदर्शित किया, इनका जो ओरिजिनल बयान था ना, इसमें रमेश बिधुरी ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मुफ्त में बीवी देता है, मुफ्त में बच्चे देता है. ये क्या मानसिकता है भाई, ये क्या मानसिकता है? और जब आपकी ये मानसिकता है, तो मैं क्यों ना मानूं कि इस पन्ने के पीछे वही सोच है जो रमेश बिधुरी और अनिल वाजपेयी जैसे लोगों के जहन में काम कर रही है, या कपिल मिश्रा जैसे लोगों के जहन में काम कर रही है. और रमेश बिधुरी यहां खत्म नहीं होते हैं. कुछ दिनों पहले
एक और रैली में अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, और यहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बच्चों को भी गाली दी। जो अपनी जबान का पक्का ना हो, जो अपनी जबान रोज रोज बदले, उसको क्या कहते हैं लोग। इसकी जबान ही नहीं है वाले की, ये बोलते नहीं बोलते हैं। ये बोला था केजरीवाल ने, अब केजरीवाल ने ही कहा मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। आसिम, ये किसने कहा था? केजरीवाल ने कहा था वो भ्रष्ट है, मैं उसको बदल रहा हूँ। जब तुम उसको बदल रहे हो तो उस अपने फूफा को पार्टी में क्यों रखे हुए? कांग्रेस भ्रष्ट है, तूने कहा था कांग्रेस भ्रष्ट है। मेरे दो बच्चों की कसम मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, ये किसने कहा था? लेकिन उसके बाद कांग्रेस का समर्थन लिया नहीं लिया? लिया ना लिया, तो जिस कांग्रेस का समर्थन लिया उसकी ही चेयरपर्सन शिकायत कर रही है और कहता है मोदी जी मेरा नाम FIR में डलवा रहे हैं। अब जिन तो जुटूर कांग्रेसी जो माना फूफी के थे, जो तू अपने बच्चों की कसम खा के भी समर्थन ले रहा था, तो दो जगह गड़बड़े, या तो कांग्रेस से तेरे रिलेशन मामा फूफी के है, और या तेरी औलाद जिसकी तू कसम खा रहा था वो तेरी, वो तूने देखना होगा, तेरी बीवी ने देखना होगा, तू उनकी झूठी कसम क्यों खा रहा है? मुझे लगता है दिल्ली के सामने आज चुनौती है दोस्तों। वो चुनौती सिर्फ दिल्ली के सामने नहीं है, वो चुनौती शायद देश के सामने, मगर मैं दिल्ली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 12 मई को वहां चुनाव है। और दिल्ली के सामने चुनौती है कि एक तरफ रमेश बिधूरी जैसे लोग हैं, एक तरफ गौतम गंभीर जैसे लोग हैं, जो कि तिरंगे का इस तरह से की व्याख्या करते हैं। रमेश बिधूरी जैसे लोग हैं, अनिल वाजपेयी जैसे लोग हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल होते ही इस तरह का जहर उगलने लगते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। क्योंकि देखिए, विकास के नाम पर क्या काम हुआ है मैं नहीं जानता हूं, और मैं क्या जानता हूं, हम सब जानते हैं विकास के नाम पर क्या काम हुआ है। वो तो हमें दिखाई दे ही रहा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री अब बात ही नहीं करते हैं विकास की, अच्छे दिनों की अब कोई बात नहीं करता है। तो 5 सालों में एक तरह से ढकोसला ही चला रहा है, एक मजाक चला रहा है। तो इन गालीबाज बिगड़े बोल सांसदों के जरिए काम तो हुआ नहीं है, विकास तो हुआ नहीं है, मगर अब देश की जनता को यह फैसला करना है कि क्या आपको ऐसे लोगों को मौका देना है जिनके पीछे एक इतिहास है अच्छे काम का, जिन्होंने स्कूलों में, शिक्षा में, एक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, या जो इससे पहले सरकारों में रहे हैं और दिल्ली में विकास का काम करते रहे हैं, या फिर ऐसे नेताओं पर एतबार जताना है जिन्होंने समाज में नफरत फैलाने का काम किया है। यह फैसला आपको करना है दिल्ली। 2 चरण रह गए चुनावों के, 120 सीटें हैं करीब, कम है 120 से, और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आओ राजीव गांधी पर चुनाव खेलते हैं। वाकई प्रधानमंत्री, 5 साल बाद भी आपके पास मुद्दा नहीं रहा है, और जब मुद्दा नहीं रहता है ना दोस्तों, तो इस तरह की चीजें सामने भर कर आती है। हां, अगर इसके पीछे जैसा कि गौतम गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का हाथ निकला, जैसे मैंने कहा कि मैं अभी किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ तथ्यों पर आपसे बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन साउंड बाइट्स की बात कर रहा हूं जो आपके सामने है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर इसके पीछे वाकई आम आदमी पार्टी का हाथ है या निकल आता है, तो मुझे लगता है कि ऐसी सोच को अरब सागर में फेंक देना चाहिए। मगर अगर इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, क्योंकि इस सोच से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक रख रहे हैं, मुतमईन रख रहे हैं, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों को कहां फेंका जाए, क्योंकि आप तो सत्ता में, आपकी जवाबदेही और बढ़ जाती है, ये तो विपक्ष में, तो आपको कहां फेंका जाए बताइए। मैं चाहता हूं ये चुनाव वाकई जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि जितना जहर मैंने देखा है, आतिशी के बारे में ये बयान, प्रियंका गांधी के बारे में ये बयान, जिस तरह का जहर मैंने देखा है, शहीदों का अपमान, मैं चाहता हूं ये चुनाव जल्द खत्म हो जाए दोस्तों।
जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि मैं थक चुका हूं इन चुनावों से। मैं नहीं जानता हूं आप, बल्कि मैं थक चुका हूं इन चुनावों से। बहरहाल मेरी आपसे अपील कि बोल क्लब आजाद है तेरे के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।